हाँ सब कुछ देखा है, कुल मजबूरी पूजा। अब वही चीता पकड़े भरे के हमारे नए बाल बनाए जो पकड़ नहीं, अब हमें फर्श तो हमें लाद के ले जाते हो नहीं के जाए। यही सब हाल है तो बहुत जवान है। अरे भैया, अरे दादा हमको मत मारिए। नहीं नहीं मारोगे, बाकी से जवाब चल जाए। अरे ठीक है, वो जवानी आपकी लग रही है। हाँ लगी है भैया, आप लोग के दया है। तो आजादी से पहले थे, आजादी के बाद? हाँ। ये रेलवे आजादी के पहले था? हाँ पहले ही रहा ये। हाँ रेल लाइन। हाँ उत्तम अटरा में कैसे लोग जाते आते थे? जाते ऐसे ही रेल क्रॉस करके। हाँ मतलब आजादी के पहले और आजादी के बाद अटरा को देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं? आज ये घेरी है। हाँ आज घेरी है बिहार पर। चलो हम ये राजा पर जब मरे सारे है। यहाँ पे सपा भी रह चुकी है सत्ता में, यहाँ पे कांग्रेस भी सत्ता भोग चुकी है, यहाँ बीजेपी अब सत्ता भोग रही है। तो क्या लग रहा है कि किसी पार्टियों में कोई भी पार्टी अटरा को नहीं देख पाई? नहीं भैया, तो बस वोट चाहिए। हाँ। राजा हो जाई और तोरे लोग डाले यही समस्या। बिटिया बह जाती है तो वहाँ बिटिया बह जाए तो उतर के जाए। अच्छा और वहाँ से बिटिया पठाई तो यहाँ बैठाई। समस्या बहुत है, सुनने वाला रही कोई सरकार। अब आप जब आदमी हो तो नहीं जाए। हाँ। तब क्या लेकर आए हो? अच्छा। आज बार नहीं आए हो। हाँ। हम भूख के मारे आप दिन बचा कर रह जाए गाड़ी मार के। हाँ। ये कहा सुनने वाले। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव है, देश का भविष्य तय करने का चुनाव है, आम लोगों के भविष्य को तय करने का चुनाव है। और चूंकि ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, तो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे दो दिग्गज चुनाव में है, खास करके आमने सामने। और बसपा को जिस तरीके से आप लोग बस्ती में देखे हैं, ये बस्ती क्या कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखे हैं, और लास्ट के टाइम में एकदम एट लास्ट टाइम पे जिस तरीके से बसपा ने टिकट चेंज किया है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो बीजेपी का भी टीम भी बता रहे हैं बसपा को। अब मायावती जी भी आने वाली हैं, शायद आज आ भी गई हों। और कुछ लोग यहाँ इस चौराहे पे हैं, ये अटरा जगह है, जगह का नाम अटरा है, और यहाँ की समस्या कुछ है जो कि यहाँ के आम लोग अभी बता रहे थे। अब ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये गौर से आपको वाल्टरगंज मार्ग ये आपको जोड़ता है मेन हाईवे पे जाके। लेकिन आप सोचिए कि जो आम लोग हैं या आम लोगों का जो अपना खुद का ओपिनियन होता है, वो बहुत प्रभाव डालता है चुनाव में। और यहाँ हम कह रहे हैं, एक बार कैमरामैन साहब दिखाइएगा चारों तरफ, यहाँ आपको शायद ही कोई नेता टाइप का लोग, यहाँ पे नेता टाइप के लोग लग रहे होंगे। यहाँ लग रहा है कि सारे आम लोग ही बैठे हैं। अब चूंकि मैं इधर से जा रहा था तो मैं सोचा कि आम लोगों की बात आम लोगों से ही की जाए, चूंकि नेता लोग तो अगर जिस पार्टी के विशेष होते हैं, जिसका खाते हैं उसका बजाते हैं और गाते भी हैं। तो चूंकि ये लोग हमको लग रहा है कि आम लोग हैं, तो इन लोगों से बात करेंगे और इन लोगों का जो अपना मुद्दा है उस पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। भाई साहब बैठे हैं, पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी भाई। हमारे यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा रेलवे का है। रेलवे का मुद्दा? जी। रेलवे के क्या मुद्दा है? रेलवे का मुद्दा हमारे यहाँ तीन तरफ से नदी। अच्छा। एक तरफ से रेलवे। हाँ। और हमारे यहाँ आज तक कोई रास्ता नहीं बनवाया, चाहे विधायक हो या सांसद हो। अच्छा। हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती है भाई। रेल मार्ग अगर कैमरे में आ सकता हो तो वो भी जरूर दिखाइएगा कैमरामैन साहब। ये सामने है, ये सामने। कि जिस तरीके से वाकई में ये कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मार्क खड़ा ही करता है। और चूंकि ये जो दुकान है ये ऑन रोड है, रोड के जस्ट बगल में है, और जिस तरीके से आप गांव देख रहे हो, कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा वो गांव। उस गांव में जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, जाने के लिए इन लोगों को कोई सुगम रास्ता नहीं है। अगर इन लोगों को उस गांव में जाना हो तो किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से जाते हैं अगर गांव पे जाना हो? रास्ता यही है हम लोगों का। अगर शादी विवाह होता है फिर शादी विवाह इस टाइम हम लोग जैसे अप्रैल मई जून में कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग
नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के लगन में शादी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि रास्ता है नहीं। अच्छा जी, जब गेहूं की फसल कट जाती है तब हम लोग का एक रास्ता है पगडंडी, उसी रास्ते से शादी विवाह करते हैं। पगडंडी के रास्ते से भी मतलब गाड़ी खेतों से लिंक रोड नहीं है कोई? लिंक रोड नहीं है मिल जाए लिंक रोड गाँव में? गांव में लिंक रोड अभी तक कोई नहीं है। इस रास्ते से केवल एक गांव परेशान है, प्रभावित है या बहुत सारे गांव? इस रास्ते से वैसे हरदिया है, बिलौड़ी है, अटरा है, चमरहुआ है, हाथा है, सिधौनी है, कई गांव इस रास्ते से जुड़े हैं और सारे गांव प्रभावित हैं। और सारे गांव इस रास्ते से प्रभावित हैं तो सबको दिक्कत है। लेकिन अब क्या किया जाए, जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, कोई अभी तक यहाँ तक आए नहीं। सांसद 10 साल के हो गए। अच्छा, लेकिन यहाँ तक अभी तक दर्शन नहीं दिए। आइए चलते रहते हैं, उधर ही चलते हैं। बैठिए दादा, वहीं आ रहे हैं, चलिए। चुनाव नाम क्या है आपका? नाम हमारा नाम जनार्दन यादव है। जनार्दन यादव जी, तो लगता है कि सांसद जी 10 साल से यहाँ नहीं आए। सांसद जी नहीं आए, विधायक जी तो आए होंगे, जो विधायक यहाँ पे बने हुए हैं। विधायक जी आते हैं। अच्छा, विधायक जी से हम लोग बात रखे जी, विधायक जी से भी बात रखे। विधायक जी ने कहा कि भाई हमारे बस की बात ये नहीं है, जैसे सांसद जी कहें, हमारे कोष से जो पैसा लगता है उसको हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन सांसद जी से आप लोग बात करिए। हमारे यहाँ से काफी लोग बात भी किए सांसद जी से। अच्छा, कब बात किए थे? एक साल पहले बात हुई। अच्छा, अच्छा। दो साल पहले बात हुई, कई बार उनसे बात हुई। हाँ, हाँ। लेकिन आज तक ये देखने नहीं आए कि अटरा के लोग किस रास्ते से जाते हैं, किस रास्ते से आते हैं, इसका कोई उनको मतलब नहीं है। अच्छा, आए इसी रोड से, आए चले गए, चले गए, इधर गए उधर गए, कोई मतलब नहीं है। अभी वोट मांगने आए कि अभी तक नहीं? नहीं, गांव में वोट भी मांगने नहीं आए। अच्छा, जाएंगे कैसे? अब इसी रोड से जाते हैं, आते हैं, लेकिन गाड़ी अच्छा अटरा में अगर डाउन हुआ, अगर अटरा में जाने के लिए चाहे विधायक जी को या सांसद जी को या जो पूर्व मंत्री जी हैं उनको जी, अगर विशेष कर आपके गांव में जाना हो जी आज के समय में जी, तो कैसे जाएंगे? यही रास्ता है, यही है। इसी रास्ते से गाड़ी यहाँ खड़ा करेंगे, पैदल जाएंगे, उसके बाद पैदल उधर जाएंगे जी। अच्छा जी, जी इसी रास्ते से उनको भी जाना है। इसी वजह से ले आएंगे ही नहीं क्या वोट ही मांगने सब लोग? अब तो लग यही रहा है। अच्छा, 25 तारीख आने वाला है तो लग यही रहा है। आ जाइए इधर, आ जाइए, आप भी नवयुवक हैं। क्या नाम है आपका? गमछा वमछा बांधे लग रहा है आप, हैं ही वही क्या? सपा वाले? समाजवादी वाले? समाजवादी वाले हैं। अच्छा, हम लोग तो अटरा गांव ही समाजवादी है क्या? अच्छा, ये कहीं यही तो वजह नहीं है कि सांसद जी आए नहीं देखने? 10 साल दो बार वोट दिया गया। अच्छा, दिए थे वोट? हमारे यहाँ रास्ता नहीं बना। तो जब रास्ता नहीं बना तो उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, हम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो अब की बार कोई दूसरा ही प्रत्याशी चुना जाए। तो इससे पहले जब जैसा आप बता रहे हैं कि हमने 10 साल उनको चुन के दिया या भेजा, तो उस टाइम में आप लोग वोटिंग किए थे सांसद? नहीं, हम मेरा वोट तो था नहीं, मेरे गाँव वाले किए। अच्छा, गाँव वाले सपोर्ट पूरा किए थे सांसद जी का, लेकिन इस बार मूड चेंज है? मूड चेंज गाँव का या आपका? हमारे पूरे गाँव का। अच्छा, पूरे गाँव का। दादा क्या नाम है, आप बुजुर्ग हैं? राम सुमेर। राम सुमेर जी। हाँ। उम्र आपकी ज्यादा है? हाँ। आप किस गांव के रहने वाले हैं? यही अटरा के। हाँ। अच्छा, अटरा के रहने वाले हैं और उम्र कितनी होगी आपकी? 80-85। तो मतलब कि आजादी से पहले आप थे? हाँ। तो आजादी से पहले थे, आजादी के बाद? हाँ। ये रेलवे आजादी के पहले था? हाँ, पहले ही रहा ये। हाँ। रेल लाइन? हाँ। उत्तर अटरा में कैसे लोग जाते आते? ऐसे जाते, ऐसे ही रेल क्रॉस करके। हाँ, मतलब आजादी के पहले और आजादी के बाद अटरा को देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं? आज ये गेदी है। हाँ। आज गेदी है बिहार पर, चलो हम ये राजा पर जब मरे सारे नहीं है पर अपने का करेगा। अच्छा, यही थक। अच्छा, तो कोई जब हम कह रहे हैं यहाँ पे सपा भी रह चुकी है सत्ता में, यहाँ पे कांग्रेस भी सत्ता भोग चुकी है, यहाँ बीजेपी अब सत्ता भोग रही है, तो क्या लग रहा है कि किसी पार्टियों में कोई भी पार्टी अटरा को नहीं देख पाई? नहीं भैया, तो बस वोट चाहिए। हाँ। राजा हो जाए और तोरे लोग डाले फेर और हड्डिया करा सबा लागल। अच्छा। हाँ, ये हड्डिया है। अच्छा, अटरा। हाँ हाँ। अच्छा चाचा, एक चीज और बताइए, क्या किसी सरकार से आपको उम्मीद लग रही है? आपके जो उम्र है, आपके जो तजुर्बे हैं, उस तजुर्बे के अनुसार बताइए कि क्या कोई सरकार आपको लग रहा है कि आपका रास्ता या आपके लिए कुछ सहूलियत कर पाएगी? अब वो तो वो जाने, हमारे पास कुछ जब भाई ये ले भाई। हाँ। तो कहे भर भर रोज जब सुजीत जाओ। हाँ। बार पूछा जाए बूढ़ मरे सार गढ़ा में चाहे गढ़ही में। अच्छा। हाँ, यही समस्या बिछिया बह जाती है तो वहाँ
बिटिया भी है जाए तो उतर के जाए। अच्छा, और वहाँ से बिटिया पठाई तो यहाँ बैठाई। समस्या बहुत है, सुनने वाला नहीं, कोई सरकार नहीं सुन रहा। इतनी बड़ी समस्या है, बहुत समस्या बड़ी है। हाँ हाँ, सरकार अपने अपने कैश भरते है बस। अच्छा, ये लड़का अभी साइकिल लेके जो आ रहा है बच्चा, उधर से आ रहा है। हाँ, उधर से कुछ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दुर्घटना भी तो हो सकती है। घटी इच्छा साथ है, घटी है दुर्घटना भैया, घटी दुर्घटना भी घटी है। हाँ घटी है, बाकी सुनने वाले नहीं। तो मतलब किसी सरकार से आप लोगों को उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं? अब हमारी उम्मीद खत्म बात तो सफरा सरकार से बात। अब आप जवानी हो तो नहीं जाए। हाँ। तब क्या लेकर आए हो? अच्छा, आज बाहर नहीं आए हो? हाँ। हम भूख के मारा आप दिन बचा कर रह जाए गाड़ी में आगे। हाँ। एक आध सुनने वाले नहीं हो? हाँ। हमने एक पैसा भी नहीं पिए गए, वो कहा देने वाले नहीं हो? हाँ। तो हार खाचार भर जाए। हाँ। यही आराम बहुत दिया, बीत गई है। अब लड़के नाती हुए। हाँ। अब ये कुल कैसे बिछिया भाई, नाती हमारे भी एक आवे हुआ से कुल बड़ा समस्या हुआ भाई। विकास पुरुष अगर ये वीडियो देखें तो जरूर दिखाइएगा आप लोग, विकास पुरुष को जरूर दिखाइएगा कि विकास पुरुष ये एक बुजुर्ग हैं जो अपने आप को 80 साल का बता रहे हैं और आप देखने में शरीर से लग भी रहे हैं। अब आप सोचिए कि 80 सालों में जिस तरीके से ये अभी 18 गांव बदहाल हैं और यूं कह लीजिए कि यहां पे विकास कार्य के नाम पे जीरो है, क्योंकि जीरो अगर सरकार जैसे बीजेपी सरकार कह रही है हर एक गांव को हम लिंक रोड जोड़ेंगे, लिंक रोड वहां हर गांव में जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अब आप सोचिए कि यहां पे जिस तरीके से मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ये आश्वासन दी, भरोसा दी और बहुत सारे कार्य भी किए हैं, लेकिन जिस तरीके से 18 है ना, 18 गांव है और यहाँ पे ये बाबा जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर जवानी होती तब बताते नेताजी को कि क्या यहाँ मांगने आए हो और क्या यहाँ लेने और यहाँ किए क्या हो। तो ज़रूर आज के नवयुवक भी ये जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ किए क्या हो और लाए क्या हो और आगे कैसे विश्वास किया जाए कि आप करोगे। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर गांव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है तो लोग बाग भाई ये बड़ी चीज है और समस्या भी बहुत बड़ी है। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम वहां जाके बताए भी और वहां तक लोग पहुंचे नहीं। दादा क्या नाम है? अटल बिहारी नाम है। अटल बिहारी जी, अटल बिहारी, अचल। हाँ। अच्छा अचल बिहारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही 18 के। 18 समस्या यहाँ की क्या है और क्या लगता है कि कौन नेता है जो ऐसी समस्या आप लोगों को? कौन नेता जब दाई क्यों कही तो कौन नेता बताइए? अच्छा, हाँ जब दाई क्यों, मतलब नेताओं से विश्वास खत्म हो चुका है? विश्वास खत्म हो चुका है। जब सामने देखा तो हमारा दुख जो कष्ट जो हर एक चीज ना ही सुनते हो तो अब विश्वास खत्म नहीं है। अगर ये करे तो कर विश्वास आप आए हो होता ऊपर सब कुछ विश्वास बात। अच्छा, जब आप करा अच्छा, दादा अब 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 आप मीडिया का नाम ले लिए तो आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ। इससे पहले क्या कोई मीडिया यहाँ पे आप लोगों की इस समस्या के लिए कभी आया कोई? आया हम बात किए, आया बात किए। हमें जी कौन आया था तीन क्षेत्र के थे? हाँ। नाम पता है? विवेक पांडे। विवेक पांडे दिया है। हाँ। अच्छा, ये दिखाए भी वो? हाँ, सब कुछ दिखाए, कुल मजबूरी पूछे। अब वो चीता पकड़े भरे के हमारे नए बाल बनाए जो पकड़ नहीं। हाँ। अब हमें फर्श तो हमें लाद के ले जाते हो नहीं के जाए। हाँ। यही समस्या नहीं बिता रहे हैं कोई, खाए बाल अब जो हमें नौकरी मिल जाए। दादा यही जवानी में दिखाए होते तो रोड बन गया होता, जिम्मेदारी रहा। अच्छा, हमने लोग सोचा है कि यही से घास छुलब और भाई चलाए, वो जिम्मेदारी रहा वैसे बीती है। जो जिम्मेदारी चल रही थी पहले जिम्मेदारी पर था। हाँ। उसमें वो दिन कट गया, कट गया, इसलिए आगे प्रोसेस नहीं हो पाया। नहीं बस वो बहु रहे। अच्छा। हाँ नहीं तो बहुत जवान है। अरे भैया, अरे दादा हमको मत मारिए। नहीं मारोगे? बाकी से जवाब चल जाए। अरे ठीक है, वो जवानी आपकी लग रही है। हाँ लग ही रही है भैया, आप लोग के दया है। आशीर्वाद है बाल भगवान से, भगवान सब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोश होना भी चाहिए और खास करके नौजवानों में होना चाहिए। जोश भरिए कि भाई सही कार्य जो है उसके लिए खड़े होइए और बोलिए। अब
तो हम मैंने आए पूछे थे हे ये मिल गए हे देखो ये है हो देखो वही उल्टा बदली पाई गए अभी बुढ़वा का देख के वैसे खड़े नहीं हो जैसे अच्छा कि बुढ़वा रहे से हाँ, कुछ बोल कोई सरकार वो आएगा तो गौर से मिश्रा बताएगा और सुनेगा कि हाँ बुजुर्ग 80 साल 85 साल को यही बोल रहा है और कुछ साल नहीं हुआ हाँ, कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं सही है, ये बहुत बड़ी गलती है भाई। क्या नाम है आपका? बैठिए 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 आप बैठिए बैठिए कोई दिक्कत नहीं, बैठिए बैठिए आराम से बैठिए आप। राम बलेश्वर यादव। राम बलेश्वर यादव जी, क्या लग रहा है आप भी सपा वाले हैं क्या? हाँ हम भी सपा वाले हैं। हाँ। यहाँ हम लोग मीडिया को आले को तीन तीन बार लेके आया लेकिन जा नहीं पा रही है। द्विवेदी इस रास्ते से जा रहे थे वहाँ दुकान के आगे से उनको बुलवा के दिखाया कि सर हम लोग को आने जाने का रास्ता कहीं बात है। करीब साल भर हो गया, एक साल हो गया। हाँ इसके बाद में उनको ये भी बताया कि तीन तरफ से नदी है, एक तरफ से खेती हो रहा है, हम लोग को रास्ता था बहुत दिक्कत है, लेकिन तभी भी कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है कि कम से कम उनके घर तो है, वहाँ उनके घर पे। क्या लग रहा है कि अब की बार अगर सपा सरकार आई तो रोड आप लोगों को मिल पाएगा? इसे प्रयास तो हम लोग वही कर रहा हूँ कि हमको कोई धन धर्म उनका नहीं चाहिए, खाली हम लोग का रास्ता बना दे। अच्छा रास्ता बन जाए आपको और कुछ नहीं चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली हमारा रास्ता बना। भाई अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये रास्ता बड़ा मुद्दा है। ये 18 जो गांव है यहाँ का जो रास्ता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर घर पे या गाँव पे जाने के लिए, या आप सोच लीजिए कि शादी विवाह होता है, अगर बच्चियां जो लड़कियां हैं या इनकी जो दुल्हन बहू आती है ये घर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, अगर 21वीं सदी का यही भारत है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या नाम है आपका? राम अजोर जी। राजू जी, राजू जी कहाँ के रहने वाले? बेलौड़ी शुक्ला। तो क्या लग रहा है अभी आप यहाँ के तो है नहीं, तो क्या लग रहा है आपके यहाँ पे जो काम हुआ है वो सही हुआ आपके यहाँ भी? नहीं आप अपने जगह की बात बताइए, वहाँ सब ठीक ठाक है? वहाँ पे सारा काम हुआ है, विकास हुआ है, तो क्या लग रहा है कि किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए? दोनों के बाहर ज्यादा बिचार जो आगे रहेगा उसको देंगे। अरे अपना भी कुछ विचार है कि इसी ऐसे लोगों को देना चाहिए? मोदी बाबा ने कुछ किया काम किए हैं, और सपा ने भी कुछ काम किया है, सपा ने भी किया है। अरे भाई बहुत चालाक आदमी लग रहे हो राजू भाई, आप तो बताना नहीं चाह रहे हो एकदम सही है ना? क्या नाम है? रामचंद्र जी, क्या लग रहा है अब की बार में रास्ते की, अगर रास्ता आप लोगों को मिल जाए तो दिक्कतें सॉल्व है और सब गांव के अंदर का जो रास्ता है वो सब सही है? वो सब सही है, केवल लिंक रोड नहीं है कि आप रोड ना, नहीं, आप है। आप लिए है, ये नहीं कौन कौन से रास्ते नहीं। अच्छा बड़ी मजबूरी यही है? हाँ ये पूछ फाड़ के जाओ, रेलवे क्रॉस करिए लाइन को तब आप घर पहुंच सकते हैं। तो शादी विवाह में भी यही चीज होता है, अगर शादी विवाह भी करना बहुत लोग नहीं चाहते हैं, कहाँ के कैसे पूछ पाओ कैसे ना पाओ नाक के जगह। अच्छा तो क्या लग रहा है अब की बार में क्या चीज ऐसा करेंगे कि आपका रोड बन जाए? उम्मीदें हैं कि कौन बना सकता है उम्मीद हो चुके हैं लग रहा है कि कोई भी सरकार आए लेकिन आप लोगों की समस्या का हल नहीं हो पाएगा, ये बड़ा चीज है। दादा आप कुछ बोल पाएंगे? क्या नाम है? नहीं अच्छा नाम तो बता दीजिए। हमारा नाम हिंदल धिंदन। तो धिंदन जी कौन से गांव के रहने वाले हैं? पिपरा के निवासी हैं, भैंस चरा वाला है। अच्छा भैंस चरा रहे हैं, यहीं पे आसपास क्या कहीं जंगल में आए? अच्छा पेंशन वेंशन मिल जाती है आपको? हाँ मिलता है, पेंशन मिल जाता है। और खेत वाला पैसा वो मिल जाला? वो मिल जाला, तो लागत बाटा की ठीक बाटा है। लड़के वड़के देखते हैं आपके? लड़के वड़के हैं? एक लड़का है। एक लड़का है, मदद करता आपकी? काहे में मदद करी जब लगा ही। अच्छा चलिए, जैसा कि बता रहे हैं दादाजी कि भाई यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा है वो है रोड का, सड़क का, और वाकई में शायद बस्ती वासियों को ये जगह बहुत कम ही लोग जानते होंगे, यहाँ के जो निवासी होंगे
कि इतनी बड़ी भी समस्या अभी भी बस्ती में है कि पूरे गांव के गांव अगर किसी का शादी विवाह होगा तो वो गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। ये अनहोनी चीज वाकई में अभी बस्ती में है, वो भी 21वीं सदी में है। क्या यह मुद्दा चुनाव का नहीं है? क्या यह मुद्दा विकास का नहीं है? क्या यहाँ के लोग कुछ गलत बोल रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों को ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ के आप लोगों के पास जा रहा हूँ। फिलहाल जैसा भी है जरूर बताइएगा और उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा जो इसके खास करके जिम्मेदार हैं। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।